साथियों नमस्कार। मौलिक अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। मौलिक अधिकारों में इस समय हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 23 की अनुच्छेद 23 की, जो पूरी तरीके से दो चीज़ों पर बैन लगाता है। एक तो इस बात पर बैन लगाता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को, मानव जात को खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, किसी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज़ वह जो है बधुआ मजदूरी पर जो है बैन लगाता है। बधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को पकड़कर डरा धमका कर या किसी प्रति या किसी ऐसी शर्त के अनुसार जो है काम कराना कि जिससे वो पूरी ज़िंदगी काम करता रहे। तो पहले की चर्चा हम करते हैं। पहले की चर्चा यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव जाति की, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, किसी को बेचा नहीं जा सकता है। प्राचीन काल में आपने एक चीज़ देखा होगा, पढ़ा होगा जो है कि इतिहास में कि दास प्रथा थी। दास प्रथा जो है इतनी भयंकर थी कि लोग जो है उसे जो है किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर जो है नौकर बनाकर रखते थे, दास बनाकर रखते थे, सेवक बनाकर रखते थे और बाद में जो है किसी को भी बेच देते थे। ये प्रथा जो है चल रही थी, लेकिन भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उसके बाद पूरी तरीके से इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। आप पुरानी फिल्मों में भी देखेंगे तो इस चीज़ को जो है दिखाया जाता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वह महिलाओं को खरीद करके अपने कारखाने में या फिर किसी भी स्थान पर जो है रखता है। तो इस प्रकार की चीज़ों पर जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। नेपाल से लेकर चीन तक के जो है खरीद फरोख्त जो है महिलाओं की, पुरुषों की होती थी, जो है उस पर सब चीज़ों पर जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। दूसरी जो चीज़ है महत्वपूर्ण वह है बधुआ मजदूरी की। बधुआ मजदूरी की अगर हम बात करें तो बधुआ मजदूरी की जो है बेगारी प्रथा भी कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब जमींदारी प्रथा जब चल रही थी भारत में संविधान लागू होने से पहले, अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि लगातार भारतीय किसानों का, मजदूरों का जो है शोषण हो रहा था। वो कर्ज में डूबे हुए थे, जमींदारों से वे किसी न किसी प्रकार से जो है पैसा लेते थे अपने जीवन यापन के लिए, और जीवन यापन करने के लिए जो पैसा लेते थे उसे नहीं चुका पाते थे। कारण यह था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है उनसे वसूला जाता था और पूरी ज़िंदगी उनके यहाँ बेगारी करते थे। अगर उनकी मौत हो जाती थी तो उनके बच्चे भी जो है बेगारी करने के लिए मजबूर हो जाते थे। इसी कारण जो है इस चीज़ को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि बेगारी प्रथा जो है बिल्कुल भी जो है अवैध है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में गया काम करने के लिए तो कंपनी के मालिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया उस एम्प्लॉय से कि आप जो है हमारे साथ जो है 2 साल तक रहोगे और निश्चित रूप से रहोगे, किसी शर्त पर जो है आपको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, आपको काम करना ही पड़ेगा, और अगर आप काम छोड़ देते हैं तो आपको 5 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए वह व्यक्ति जो है प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। उसकी इच्छा है अगर कि वह बीच में काम छोड़ रहा है तो वह छोड़ सकता है। इसके बाद हम आर्टिकल 24 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 24 पूरी तरीके से इस बात को बताता है कि 14 साल से तक के जो बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री कारखाने में जो है काम करने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है कि 14 साल तक के बच्चे जो है कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि पिछले मौलिक अधिकार में जब हम आर्टिकल 21 बता रहे थे जीवन जीने का अधिकार, तो उसमें जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके इस चीज़ को जोड़ा गया कि 6 साल से लेकर के जो है 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, इसी प्रकार से था कि जब छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो है शिक्षा की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। अब हम अगले मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे अनुच्छेद 25 की, आर्टिकल 25 की, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के पहले इस जो अनुच्छेद है आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह कोई भी धर्म अपना सकता है, बशर्ते उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई लालच ना हो, कोई किसी प्रकार का जो है भय ना दिखाया गया हो। बस इतनी सी बात है। जो है भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता रहे हैं वो अपने जीवन के अंतिम समय में जो है बौद्ध धर्म धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में उनकी आस्था नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो भी धर्म उसको अच्छा लगता है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, वो किसी भी धर्म में जा सकता है, बस उसकी आस्था ऐसी होनी चाहिए। वैसे सामान्य रूप से सभी धर्म मानवता की सीख देते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह किसी भी धर्म में जो है कन्वर्ट होना चाहता है तो अपने आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार जो है कर सकता है। लेकिन धर्मांतरण की जो है तमाम प्रकार की जो है खबरें आप जो है सुनते होंगे कि ईसाई लोग जो है किसी न किसी का जो है जबरन जो है करवा रहे हैं, पैसा देकर करवा रहे हैं, तो इन सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अवैध होती हैं। लेकिन अगर इंसान की इच्छा है कि मैं स्वयं से जो है किसी धर्म को धारण करूं, तो यह जो है उसकी स्वतंत्रता है, और यही आर्टिकल 25 में बताया गया है। हम आर्टिकल 26 की बात करें। आर्टिकल 26 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केशवानंद भारती का जब हम केस पढ़ा रहे थे, आपको जो है बता रहे थे
कि बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात चल रही थी तो उसमें यह जो है आर्टिकल आया था आर्टिकल 26, जो कि यह बताता है कि धार्मिक संस्थानों के जो प्रबंधन है, जो उसकी चल और अचल संपत्ति है, उसको लेकर के जो है मैनेजमेंट किया जा सकता है। वह उस व्यक्ति का अधिकार होगा, उस संस्था के जो उत्तराधिकारी होगा या उसका जो मालिक होगा वह जो है इसका प्रबंधन कर सकता है। सरकार उस पर जो है किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगा सकती है, ना तो किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। और जिसको लेकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया था, उसमें हमने आपको बताया था किसी बात को लेकर के जब सरकार जो है जमीन ले रही थी तो उन्होंने जो है केशवानंद भारती का जो मठ था उसकी तमाम प्रकार की जो जमीन थी उसको अपने अंडर में ले लिया था, जिसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी धार्मिक संस्थान में जो वहाँ की चल अचल संपत्ति है उसका जो है स्वतंत्रता है इस बात की कि जो उसका मालिक होगा उसका प्रबंधन कर सकता है, उसका रखरखाव कर सकता है। हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 27, जो यह बताता है कि धार्मिक स्थलों पर अगर कोई दान दिया जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही रोचक बात है, आप ध्यान से सुनिए कि सामान्य रूप से जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे हमने शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, आपने जो है जो कपड़े पहने हैं, या फिर साइकिल मोटरसाइकिल, आप जैसे मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं तो मोटरसाइकिल का दाम जो होता है उससे अधिक सरकार ले लेती है आपसे, कुछ ना कुछ उसमें टैक्स जो है छिपा होता है कि आप रोड पर चलेंगे तो उस पर रोड टैक्स हो जाता है, हम जान नहीं पाते हैं, अप्रत्यक्ष कर होता है। और बाद में उसी से जो है वह जो है सड़क बनवाती है और तमाम प्रकार के जो है कार्य करती है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में आर्टिकल 27 यह बताता है कि अगर हम जो है दान की गई चीज़ों पर जो है टैक्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को जो है बनवाना पड़ेगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ स्थापना की जाएगी। अब आप सोचिए कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण अगर वह जो है किसी मंदिर को या मस्जिद को जो है प्रमोट करेगा, उसको बनवाएगा, स्थापना करेगा, तो कहीं ना कहीं इस बात को जो है लेकर के जो विवाद होगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में जो है जो बुनियादी ढांचा है हिंदुस्तान के संविधान का, उसमें कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई पेच फंसेगा। इसलिए जो है इस पर जो है पूरी तरीके से जो है यह बता दिया गया है कि दान अगर धार्मिक स्थलों पर किया जा रहा है तो वह पूरी तरीके से कर मुक्त होगा, उस पर टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 यह बताता है कि कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो सरकार द्वारा जो है बनाया गया है, उससे जो है सहायता मिल रही है, तो उस पर जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी उसमें, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जैसा कि हमने पहले बताया, और धार्मिक स्थलों की जो है स्थापना नहीं की जाएगी, उसमें जो है किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।